n1 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 n2, n2, n2. तो यहाँ देखो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि क्वेश्चन में कि एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ओके okay. और वो एक ऐसे मटेरियल से बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है एन टू है ओके okay. और एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जहां पे जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है एन वन है ओके okay. और उसपे क्या हो रहा है एक पैल बीम लाइट क्या हो रही है इंसिडेंट हो रही है लेंस uh, पे तो हमें कंप्लीट उसका पाथ ऑफ रेज बताना है लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा ओके okay, और यहाँ पे हमें तीन कंडीशन दे रखी है ओके okay, तो देखो क्या कंडीशन होगी uh, जो हमारा कंप्लीट पाथ ऑफ रे होगा ऑफ लाइट का फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये जो लेंस है मेरा कौन सा लेंस है ये ये कॉन्वेक्स लेंस है ओके okay, और इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है वो एन दे रखा है ओके okay, ये लेंस है मेरा कॉन्वेक्स लेंस ओके और यहां पे देखो अब ये कैसे मीडियम में रखा गया है एक एन वन वाले रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रखा गया है ओके तो देखो जब हमारे दो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखे हों तो हम लेंस का जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरा वन बाई एफ इजिकल टू वो क्या होता है वो होता है मेरा एन टू माइनस ओके तो ये कैसे मीडियम में रखा था तो वन बाई एफ इजिकल टू क्या हो जाता है होता है मेरा एन टू बाई एन वन माइनस का वन और यहाँ पे क्या आता है वन बाईन माइनस का वन बाई फॉर्मूला होता है मेरा फोकस लेंथ का ओके okay. तो यहां से देखो इस फॉर्मूले से क्या होगा कि इसके देखो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे ओके okay. एक ये आर वन होगा और ये आर टू होगा ओके okay. तो यहाँ पे क्या होगा देखो R1 और R2 में क्या होगा कि ये R2 जो है कौन कैप? देखो यहाँ पे क्या होगा ये कॉन कैब की तरह मतलब तो कि इसका ये वाला पार्ट क्या होगा लेंस की तरह हो जाएगा और ये कॉन्वेक्स की तरह हो जाएगा तो R2 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ऑफ R2 हो जाएगा तो यहां से वन बाई एफ जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा वो आ जाएगा एन टू वाई एन वन माइनस का वन ओके और यहाँ पे कितना आ जाएगा वन बाई आर वन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाई ओके, okay. ये हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी तो वन बाई एफ जो हो जाएगी वो डायरेक्टली पे डिपेंड करेगी एन टू वाई एन वन माइनस वन पे ओके इस पे डिपेंड करेगी? Okay. करेगी तो यहां से देखो अब यहां से अब हम कंडीशन बनाते हैं तो पहला हम कंडीशन लेते हैं क्या कि जब हमारा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एन वन वो लेस देन है एन टू से मतलब क्या मतलब ये हुआ कि यहां से एन टू एन वन वो क्या हुआ ग्रेटर देन वन हुआ ओके ग्रेटर देन मतलब कि ये वाली वैल्यू क्या हो गई से बड़ी हो गई एन टू वाई एन वन क्या हुआ one से बड़ी हो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से ये one से बड़ी आ तो यहां से क्या हो जाएगा एन टू एन टू वाई एन वन माइनस का वन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा ये जीरो से बड़ा ही आएगा ये ओके okay. तो जीरो से बड़ा आएगा तो फोकल लेंथ क्या आएगी मेरी तो अब जीरो से बड़ा आया तो यहां पे क्या होगा मतलब कि पॉजिटिव आएगा ये ओके पॉजिटिव वैल्यू देगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस ओके ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ओके तो यहां से क्या होगा फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो कहां बनेगा इधर की साइड ओके इमेज बनेगी तो रे ऑफ लाइट कहां से आएंगे इंसीडेंट होने के बाद में यहाँ पे इंसिडेंट होगी यहाँ ओके यहाँ ऐसे इंसिडेंट होगी और यहाँ पे यहाँ पे हमारा क्या बना लेगा इमेज बना लेगा ओके तो यहाँ पे ये यह ऐसे कंप्लीट बात बन जाएगा इसका क्योंकि एफ क्या आया मेरा पॉजिटिव आया ओके तो अब यहाँ पे देखो अब बात करते हैं सेकंड केस की तो सेकंड केस में एन वन और एन टू क्या दे रखे हैं मुझे बराबर दे रखे हैं सो so, देखो एन वन इक्वल टू क्या दे रखा है एन टू दे रखा है तो यहां से देखो एन वन और एन टू बराबर दे रखे तो यहाँ से क्या आ जाएगा इज इक्वल टू क्या है जीरो तो, यह तो यहां से फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी इनफाइनाइट ओके okay, तो यहाँ पे इनफाइनाइट पे हमारा फोकल पॉइंट होगा ओके okay, तो फोकल पॉइंट इनफाइनाइट पे होगा तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा रे ऑफ लाइट कैसे आएंगे इसके पैरेलल ही चली जाएंगी ये ओके okay, अगर एन वन और एन टू है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा हमारा इंसिडेंट ऑफ लाइट अगर इस पे हमारी फॉल होगी लेंस पे तो वो क्या हो जाएंगे क्या हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगे इसके इनफाइनाइट तक ओके लाइक दिस ओके तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे मेरी पैरेलल हो जाएंगी जब एन वन और एन टू क्या होंगे मेरे बराबर होंगे ओके अब बात करते हैं थर्ड केस की के देखो तो थर्ड केस में देखो हमें क्या दे रखा है थर्ड में दे रखा है कि इज ग्रेटर देन है N2 से ओके okay. तो मतलब N1 जब ग्रेटर देन है N2 से तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन टू बाई एन वन क्या जाएगा यहाँ से देखो अब ये क्या हुआ एन वन हमारा बड़ा है ओके okay. तो एन वन बड़ा है तो एन टू माइनस एन वन क्या आ जाएगा? जाएगा तो एफ की वैल्यू क्या जाएगी? यहां आ जाएगी यहाँ से मेरी नेगेटिव आ जाएगी ओके तो नेगेटिव आएगी तो कहाँ बनेगा देखो यहां हाँ हमारा लेंस सही है कॉन्वेक्स लेंस है ओके तो यहाँ पे क्या होगा जो फोकल पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा हमें यही मिलेगा तो इंसिडेंट से होंगी लाइक होगी ओके, यहां से होने के बारें के बारें क्या होगा यहां से देखो यहाँ मीट करेगी यहां से रिफ्लेक्ट हो यहां से ऐसे करके और यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहा निकल जाएंगी सीधी निकल जाएंगी ऐसे करके ऐसे तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये ऐसे बनेंगे हमारी ओके तो यहां से सी सीधी ऐसे करके ऐसे निकल जाएंगी। ओके तो अब यहाँ पे देखो अब क्या होता है कि जो हमारा देखो आ, क्या है कंडीशन इससे हमारी ये कंडीशन भी प्रूव होती है क्या कि अगर हमारा जो लेंस का मटेरियल है ओके वो कम है मीडियम से ओके मतलब कि यहां पे हमारा अगर मैं एन वन को क्या मानूं रेरर मीडियम मानू और एन टू को डेंसर मानू अगर रेर मीडियम ज्यादा है तो वो क्या हो जाएंगी वो दूर चली जाएंगी मतलब कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करने लगेगा एक कन्वर्जिंग लेंस, डायवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा अगर क्या होगा जो लेंस का मटीरियल है ओके okay, वो क्या होगा कम होगा किसके मटीरियल से मतलब कि जो लेंस का मटीरियल है एन टू एन टू है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर लेंस का जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो अगर कम होगा मीडियम के इंडेक्स से तो क्या होगा अगर मेरा कन्वर्जिंग लेंस है तो वो बिहेव करने लगेगा किसकी तरह एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह ओके okay, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा एक कॉनकेव लेंस की तरह ओके okay, तो यहाँ पे हमें ये बताना था कि आप कंप्लीट पाथ ओके आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर